सपा रुकन पार्लियमान और मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार एसटी हसन ने सपा से टिकट मिलने पर खुशी जताई है। इस दौरान एसटी हसन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि अब की बार 400 पार नहीं 400 हारेंगे। हसन ने कहा कि बीजेपी सरकार में 10 सालों में मुल्क की सबसे बड़ी आबादी के बीच फासले और नफरत बढ़े हैं। तो एमपी एसटी हसन ने बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद का टिकट एसटी हसन को दिया गया है और टिकट मिलने पर एसटी हसन ने खुशी का इजहार किया है और टिकट मिलने की खुशी के बाद उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब की बार 400 पार नहीं 400 हारेंगे। इस सरकार ने 10 सालों में सिर्फ नफरत का बीज बोया है। तो मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार हैं एसटी हसन, भरोसा जताने के लिए अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। आपको बता चले मुरादाबाद से पहले ही लोग समाजवादी पार्टी के एमपी हैं एसटी हसन और ऐसे में एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। सपा रुकन पार्लियमान और मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार एसटी हसन ने सपा से टिकट मिलने पर खुशी जताई है। इस दौरान एसटी हसन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि अब की बार 400 पार नहीं 400 हारेंगे। हसन ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 सालों में मुल्क की सबसे बड़ी आबादी के बीच फासले और नफरत को ही बढ़ाया है। तो एमपी एसटी हसन का बीजेपी पर हमला देखने को मिला। अब की बार 400 पार नहीं 400 हारेंगे उन्होंने कहा और इस सरकार में 10 सालों में नफरत बढ़ी है। तो मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार हैं एसटी हसन, भरोसा जताने के लिए अखिलेश का शुक्रिया अदा किया।